वेलकम टू टेक्चर मिथ। आज के सेशन में हम DB2SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है डे ऑफ वीक। ठीक है, अभी तक हमने डेट देखा था, डे देखा था, मंथ, ईयर, वैसे ही हमारे पास एक फंक्शन है डे ऑफ वीक। तो ये क्या करता है, सपोज़ आपके पास कोई डेट है या टाइम स्टैम्प है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस जो डेट दी हुई है उस दिन पर्टिकुलर कौन सा डे था, मंडे था, क्या था। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डे ऑफ वीक फंक्शन का। कैसे यूज़ करेंगे SQL RPGL में, उसके लिए मैंने यहाँ पर सैम्पल प्रोग्राम बनाया हुआ है, हम वो वॉक थ्रू करेंगे और फिर बाद में देखेंगे DB2 पे ये कैसे रन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया है SQL state_valid, जिसको हम यूज़ करेंगे वेरीफाई करने के लिए कि हमारी टेबल जो है वो प्रॉपर बनी, मतलब क्वेरी जो एग्जीक्यूट हुई प्रॉपर या नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद में हमने एक रिजल्ट नेम से वेरिएबल बनाया है जोन डेसिमल, जिसमें हम हमारा आउटपुट स्टोर करेंगे, जो भी डे ऑफ वीक रिटर्न करेगा उसको स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, कमिट को एक स्टार नन पे सेट किया है। ये इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि अगर आप कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो प्रोग्राम से तो आप इसको रख सकते हो, अदरवाइज़ ये आप स्किप भी कर सकते हो। अभी के लिए हम कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं कर रहे, बट एक जेनरिक टर्म के लिए हमने यहाँ पे रख दिया इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे हम हमारा मेन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, execSQL execute SQL select डे ऑफ वीक करंट टाइम स्टैम्प। तो ये क्या करेगा, करंट टाइम स्टैम्प से डे ऑफ वीक कैलकुलेट करके लाएगा इनटू रिजल्ट। तो ये रिजल्ट क्या है, होस्ट वेरिएबल है, कॉलन से पता चल रहा है ये होस्ट वेरिएबल है। जो भी इसका आउटपुट आएगा वो होस्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, sys_ibm.sysdummy1 से। तो ये सिस्टम का ही है, आप इसको यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, sys_ibm.sysdummy1। अब जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, अब हमारे को नीड होगी उस कॉन्स्टेंट की जो हमने बनाया था SQL state_valid, इसको हम चेक कर रहे हैं एसक्यूएल स्टेट से कि अगर एसक्यूएल स्टेट इक्वल है SQL state_valid मीन्स 5 × 0 के, तो मतलब क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई है, तो हम रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे। एल्स हम डिस्प्ले करेंगे एसक्यूएल स्टेट, जो हमारे को बताएगा कि क्या एरर है, प्लस एक मैसेज प्रिंट करेंगे क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और लास्ट में एंडिफ करके INLR को ऑन कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और कॉल करते हैं। तो आउटपुट क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 6। 6 का मीनिंग क्या होगा, 6 का मीनिंग होगा फ्राइडे। तो इसकी मीनिंग्स कुछ इस तरह से हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको इस जगह पे पेस्ट करके बताऊँ तो कुछ इस तरह से रहेगा, संडे से ये स्टार्ट होगा 1, फिर यहाँ पे मंडे हो जाएगा 2, ट्यूसडे होगा 3, वेंसडे होगा 4, थर्सडे होगा 5, फ्राइडे होगा 6 और सैटरडे होगा 7। तो कुछ इस तरह से 7 पॉसिबल वैल्यू रिटर्न करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, अगर मैं इसको वापस कॉल करके दिखाऊं तो आउटपुट आ रहा है 6। इसका मीनिंग है कि आज का जो करंट टाइम स्टैम्प इसने फेच किया उसमें करंट डेट क्या आ रही है, उसमें डेट आ रही है 7th of September, जो है फ्राइडे को। ठीक है, तो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है फ्राइडे, डे नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, डे मतलब वीक ऑफ डे, डेट 6 नहीं है बट डे 6 है, जिसका मीनिंग है फ्राइडे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SQL RPGL, इसको मैं नो कर देता हूँ। अब हम देखेंगे कि सेम चीज़ को अगर हम DB2 SQL पे क्वेरी पे रन करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना है str SQL, मैं इस क्वेरी को रिट्रीव करता हूँ, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं डे ऑफ वीक। ठीक है, करंट डेट से, और इसको हम चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं ऐसे। तो अभी आप देखोगे सबके लिए क्या आ रहा है, डे ऑफ वीक 6। हमने यहाँ पे डेट क्या डाली हुई, 8/09/08/23 है ना। तो अगर इसको आप चेक करोगे, मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, ये 08। ठीक है, 08 मीन्स आज की ही करंट डेट आ रही है, अभी हमने जो कॉल किया था वो करंट डेट, सॉरी मैंने आपको 7 बताया, करंट डेट आज का 8 है, तो उस अकॉर्डिंग इसकी डेट भी क्या शो हो रही है, क्योंकि हम करंट डेट ही निकाल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे भी फंक्शन देखोगे तो हम करंट डेट को ही स्टोर कर रहे हैं उस टेबल में, राइट। तो इसलिए हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अच्छा, अभी एक चीज़ और करके देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश
टेबल वन। तो यहाँ पे आप देखोगे एक है डेट ये वाली 1st of September, इस पे हम ट्राई करते हैं एक बार सेम क्वेरी को, थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे। यहाँ पे कर देते हैं करंट डेट की जगह टाइम स्टैम्प, जो हमारे कॉलम का नेम है, और यहाँ टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे भी टाइम स्टैम्प को प्रिंट करते हैं विदाउट फंक्शन स्टैम्प। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 क्यों आ रहा है, 1st of September। अगर इसका हम डे चेक करें, ओके सो ये भी फ्राइडे को था इसीलिए इसमें 6 रिटर्न हो रहा है। तो जो भी आपकी डेट होगी उस अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड करेगा। अभी हमने क्या दो एग्जांपल देखे, दोनों में ही फ्राइडे है 8th का और 1st का, इसीलिए आपको दोनों जगह पे 6 मिल रहा है। बट अगर आपके पास कोई और डेट होगी तो ये उस अकॉर्डिंग उसका डे प्रिंट करेगा। तो ओवरऑल आपको फंक्शन यूज़ करना समझ में आ गया है कि आपको सिंपली लिखना है डे ऑफ वीक और उसके पैरेंथेसिस में वो वैल्यू पास करनी है जहाँ पे डेट हो, तो उस डेट से वो डे ऑफ वीक कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।